छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट जो है जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि CGPSC में जो है इस वक्त बहुत बड़ी खबर जो है अपडेट जानकारी निकल कर आया। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि CGPSC में जो है 200 से भी अधिक पदों पर जो है भर्ती होने वाला है। हर साल जो है 26 नवंबर तक जो है 25 से 26 नवंबर तक जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाता था कि CGPSC के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस बार आपका जो है आरक्षण मामले की वजह से जो है अभी तक कोई भी CGPSC में नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अब जो है 72% आरक्षण को लगा है। सबसे बड़ा झटका 50% तक हुई होगा आरक्षण, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को तो पता ही होगा। शिक्षा विभाग में अब जितने भी भर्तियाँ होंगे, जितने भी अपकमिंग वैकेंसीज हैं, नई नई वैकेंसीज हैं, और चाहे काउंसलिंग की बात करें या फिर आपके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, सभी विभागों में जो है आपके 50% आरक्षण जो है लागू हो गया है। अब जितने भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकाले जाएंगे उन सभी में 50% आरक्षण ही लागू होगा। तो इससे क्या होगा, आपके आरक्षण मामले की वजह से छत्तीसगढ़ में जो 12,489 शिक्षक भर्ती आपका होना है ये आपका जो है स्थगित हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ही आपने सही सुना, 12,489 शिक्षक भर्ती जो है स्टे लग सकता है और उस पर जो है स्टे लगाया जा सकता है। तो सभी छात्रों के लिए जो है सबसे बड़ी बुरी खबर की अगर हम अपडेट्स की बात करें तो 12,489 शिक्षक भर्ती परीक्षा आपका जो है निरस्त हो सकता है और उस पर जो है स्टे लगाया जा सकता है। तो ये सभी स्टूडेंट सभी छात्रों के लिए जो है जो भी टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए जो है बहुत बुरी खबर अपडेट्स है कि 12,489 शिक्षक भर्ती आपका जो है स्थगित हो सकता है। और ये सभी आपके जो है आपके आरक्षण मामले की वजह से ही हो रहा है। अगर छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण मामला नहीं होता तो अभी तक ये सभी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हमको परेशानी झेलना नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपके आरक्षण मामले की वजह से ही एक के बाद एक जो भर्ती प्रक्रिया है उन सभी पर जो है बाधा उत्पन्न हो रही हैं, उन सभी पर जो है रुकावटें उत्पन्न देखने को मिल रहा है। और आपको 200 से अधिक पदों पर जो है CGPSC में नई भर्ती अभी देखने को मिल जाएगा। तो 72% आरक्षण को लगा है सबसे बड़ा झटका, अब सिर्फ 50% तक ही होगा, जिससे आपके आने वाले अपकमिंग वैकेंसीज और चाहे आपके फ्यून भर्ती परीक्षा की बात करें, और जैसे आप लोगों को तो पता ही है कि SI भर्ती परीक्षा जो होना था 975 पदों के लिए, जो सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक, यह भर्ती परीक्षा भी आपके जो है निरस्त हो चुके हैं और इस पर SI भर्ती परीक्षा भी आपके स्टे लगाया जा चुका है। तो एक के बाद एक आप लोगों को भर्ती परीक्षा में जो है लगातार छात्रों को ही परेशानी का सामना जो है करना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में जब इसके लिए कोई भी अपकमिंग वैकेंसीज भर्ती अपडेट्स निकल कर आ जाएगा तो मैं आप सभी को अवश्य रूप से बता दूंगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, किस तरीके से तैयारी करना है और आपके आने वाले अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे, तैयारी कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती टीचर भर्ती परीक्षा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से जो है 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो टोटल 150 प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, जिसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपकी विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकारक, वाक्य भेद रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी के व्याकरण जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करने के लिए दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेते हैं तो इससे आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको हिंदी व्याकरण के बारे में जो है संपूर्ण नॉलेज भी मिल पाएगा। इसके साथ हम बात करें आपके अंग्रेजी के, इंग्लिश के, जिसमें आपका जो है ग्रामर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन,
कंजंक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल डिग्री क्वेश्चन टैग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फिनिट वर्ब अनफिनिट वर्ब प्रेसिस राइटिंग ये सभी आपके जो इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मिसी दिशा पब्लिकेशन की बुक लेना है, जिससे कि आपकी इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ हम बात करें गणित के आपके मैथ्स के, जिसमें आपका घातांक बीजी व्यंजक गुणनखंड समीकरण श्रेणियाँ ब्याज अनुपात एवं समानुपात प्रतिशत जन्म मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि दर समय तथा दूरी रेखा तथा कोण समतली आकृति सांख्यिकी ये सभी आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक लेना है। तो यदि हम डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक लेंगे तो आपके मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ ही हम बात करें रीजनिंग के, रीजनिंग में आपका जो है तार्किक लॉजिक वाला वस्तुनिष्ठ अंगणित आता है। तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपका वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपके रीजनिंग में दिया रहता है। अब बात कर लेते हैं हम साइंस की, साइंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें आपका बल एवं गति वाष्पन सुचालक कुचालक प्रकाश के स्रोत ध्वनि के प्रकार ध्वनि संचरण चुंबक के गुणधर्म विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व कोशिका कोशिका विभाजन मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जिसमें आपका जैविक अजैविक घटक सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जिसमें आपका खसरा डिप्थीरिया हैजा टाइफाइड रोगों से बचाव संतुलित भोजन ये सभी आपके साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए आपको जो है दृष्टि आई एस का क्विक बुक लेना है। यदि आप दृष्टि आई एस के क्विक बुक से साइंस की तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। साथ ही सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य भक्ति और सूफी आंदोलन मुगल साम्राज्य इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही कंप्यूटर्स की बात करें तो इसके अलावा आपको जो परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा लेना, जिससे कि आपके कंप्यूटर्स की तैयारी जो अच्छे से हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ की तैयारी करने के लिए छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास छत्तीसगढ़ की संस्कृति छत्तीसगढ़ के उद्योग शिक्षा प्रशासनिक ढांचा इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट जानकारी पाने के लिए आपको जो है कॉम्पिटिशन अकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक आपको लेना है, जिससे आपके छत्तीसगढ़ की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है छत्तीसगढ़ के बारे में संपूर्ण ए टू जेड जो है कंप्लीट नॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी से जो है छत्तीसगढ़ की तैयारी आप जो है अच्छे से कर पाएंगे। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स है तो आप उससे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जो है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। सो थैंक यू। अगर आपका अगर कोई भी डाउट्स है तो बेझिझक आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नई नई वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मिल पाए।